कल तक तो सब ठीक था, अचानक कैसे बर्बाद हो गया। दिल टूट जाए, संबंध खराब हो जाए, रिश्ते बिगड़ने लग जाए और अचानक घर संसार बर्बाद होने लग जाए तो मन में ये बात उभरती है, कहीं कुछ किसी ने करा तो नहीं दिया, इसका क्या इलाज है। लोहे का एक छल्ला यहां बांध दीजिए, समूल विनाश होगा उसका जिसने किया कराया है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं सिर्फ लोहे का छल्ला यहां बांध देने से आपके प्यार पर बुरी नजर रहेगा। आपके रिश्तों में अगर तंत्र मंत्र किया कराया उल्टी सीधी चीजें हैं, अगर कदाचित किसी अनदर व्यक्ति की वजह से आपका प्यार छूट गया है, उसका मन कहीं और लगने लग गया है, वो किसी और का होने वाला या होने वाली होने की संभावना बना रहा है, तो आज आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। लोहा वैसे भी अपने पास रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है हिंदुत्व में, हमारे वैदिक परंपरा में अपने पास लोहा रखने से बुरी शक्तियां पास नहीं आती, ऐसी मान्यता है। इसलिए कोई जो पुराने लोग हैं अपने पास कुछ कुछ लोहा रखते थे, कुछ और नहीं तो चाबी ही रख लिया करते थे, है ना, लोहे की। ये बहुत छोटी सी बात है इतनी। अब इसके बाद शुरू हुआ क्रम कि भाई घोड़े की नाल का छल्ला पहनो तो शनि की शांति होती है और उल्टी सीधी चीजें खत्म हो जाती हैं। फिर बात और बढ़ी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नाव की कील से अगर छल्ला बनाया जाए। फिर थोड़ी और बात आगे बढ़ी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई बिना आग लगाए, बिना उसको गलाए, पीट पीट कर उसका छल्ला बनाया जाए और जोड़ ना हो तो बोले बड़ा काम करता है। ये सब चीजें कदाचित सही हो सकती हैं, किसी भी बात का खंडन नहीं है, पर मैं आज कह रहा हूं तुम्हें जो भी छल्ला मिल जाए लोहे का, जैसा भी जिस भी कंडीशन का छल्ला हो, सिर्फ इस तरीके से करके यहां बांध दीजिए। उसके बाद प्यार में तुम्हारी जीत तो सुनिश्चित है ही, रिश्तों में तुम्हारी जीत तो 100% है ही, बुरी चीजें तुम्हारे आसपास नहीं आएंगी। अब भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस बैताल कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारी तरफ नहीं आएगी। अब तंत्र मंत्र इधर उधर की सारी चीजें समाप्त, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे किसी का भी हो, हम तो साहब आपको पता ही, खुद ही खुल के क्या ही करते कहते हैं, आप सब लोगों को सब बातें पता है। बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं आज, तुम्हारे प्यार को अगर किसी की नजर लग गई है, तुम्हारे प्यार को अगर किसी ने छीन लिया है, तुम्हारे प्यार पर अगर किसी ने कुछ किया कराया है, अगर तुम्हारे प्यार के ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव है, देखो शक्तियां सारी ही होती हैं, उन सब का प्रताप समाप्त करने के लिए आज ये लोहे का छल्ला बड़ा काम करेगा। सत्य है ये, अगर अच्छी चीजें होती हैं तो बुरी भी होती हैं, दिन होता है तो रात्रि भी होती है, तीखा खट्टा होता है तो मीठा भी होता है, सुख होता है तो दुख भी होता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। घबराना मत। आज मैं कह रहा हूं कि भाई एक छोटा सा छल्ला तुम्हारी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि एक छोटा सा छल्ला तुम्हारी लाइफ में हर हाल में तुम्हारे जीवन में प्यार लाकर दे सकता है। आज मैं कह रहा हूं तुम्हारे रिश्तों को सुधारने के लिए एक छोटा सा छल्ला बहुत बड़ा काम करेगा। जान लीजिए कैसे। आपको चाहिए एक छोटा सा छल्ला, ये काम आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, ये काम आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं, ये काम आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, फ्राइडे भी करें तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ मंगलवार वाइट करिएगा, बाकी किसी भी दिन कर लीजिए। आपको चाहिए क्या, जिस दिन भी आप ये उपाय करना चाहे उसके एक दिन दूध में एक दिन पहले रात्रि में छल्ले को डाल दीजिए, प्रातः उठ करके उस दूध से निकालकर उस छल्ले को पूरा स्वच्छ कर लीजिए, रोली अक्षत से उसका पूजन करें, पुष्प चढ़ाएं, भगवान में स्पर्श करें और उसके बाद एक छोटा सा 4 अंगुल का पीला कपड़ा जिसको उसी दूध में भिगोकर केवल निचोड़ दें, साफ ना करें, उसमें अपने हाथ से गिन करके 47 चावल खड़े रखकर उसकी पोटली बांध दें। अब ये पोटली और ये छल्ला दोनों ही अपनी कलाई में
एक डोरी के साथ, मजबूत डोरी के साथ बांध दीजिए। 41 दिन के अंदर इसको काट देना है हर हाल में। विश्वास मानो 41 दिन तो तब होंगे, उसके पहले ही काम हो चुका होगा। 41 सेकेंड में काम होना शुरू हो जाता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। पुरुष राइट हैंड में बांधेंगे, महिलाएं लेफ्ट हैंड में बांधेंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। बहुत खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंदित रहो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपने आप को सुंदर बनाओ, बेहतर रहने की कोशिश करो। प्रीवियस लाइफ मत बताना, अपना नेगेटिव सोचना, उल्टा सीधा थिंक रखना बिल्कुल मना है, मत करो। ऐसा करने से तुम्हारे काम होने की संभावना 100% खत्म हो जाती है। ध्यान रखो अपना। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हारे गुरु जी के खास चैनल के साथ। ओम नमः शिवाय।